हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। ओके डियर, तो जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बेसिक स्टेप्स प्रोवाइड किया था डियर, इंपैक्ट एंड कोलिजन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि किस तरह से आपको एक स्टेप्स होता है उसको फॉलो करना चाहिए जब आप इंपैक्ट एंड कोलिजन का प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं। तो राइट, तो आई होप आप बिल्कुल करेक्ट कर पाए होंगे राइट उन स्टेप्स को जो एक बेसिक स्टेप्स मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ था। क्लियर है? तो चलिए फिर एक गजब का और मैं कंसेप्ट प्रोवाइड करने जा रहा हूं आपको। अरे बात समझे, बहुत ही गजब का कंसेप्ट है डियर। ओके, वेरी केयरफुली सुनिएगा, समझिएगा और मेरे साथ ही साथ हर एक पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। क्लियर है? अरे बात समझ में, बिल्कुल। तो चलिए, ये रहा भैया क्या बॉल, बताइए तो जरा, ये है आपके पास क्या बॉल है। ओके, बिल्कुल। तो इस बॉल को मैं बोल रहा हूं भैया क्या, ये है बॉडी वन, बताइए, ये है बॉडी वन ना। इसको मैं बोल रहा हूं ये है क्या फ्लोर, बताइए, फ्लोर है राइट, या फिर आप कह सकते हैं अर्थ का सरफेस। क्लियर बात? इसको मैं बोल रहा हूं बॉडी टू, इसको बोल रहा हूं क्या बॉडी टू, बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर ना। तो इस बॉडी, अच्छा इसको कहा मैंने बॉडी वन, इसको कहा बॉडी टू, तो भैया इसका भी मास होगा कुछ ना कुछ, बिल्कुल इसका भी मास होगा कुछ ना कुछ, बिल्कुल। तो M1 बोला, M2 बोला राइट, मैंने कहा इस बॉल का राइट, इस फ्लोर से हाइट है भैया कुछ, जिस हाइट को मैंने कहा क्या H1। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? बिल्कुल बिल्कुल समझ में तो आ रहा है ना। तो इस बॉल को मैं इस H1 हाइट पे रखा हुआ हूं जैसे कि अभी। क्लियर है? अरे बस समझ में। ओके, तो अपने हाइट के कारण, क्लियर, अपने एलिवेशन के कारण इस बॉल का, इस बॉडी का खुद का एक एनर्जी होगा जिसको हम क्या बोलते हैं भैया क्या, पोटेंशियल एनर्जी, बताइए तो, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात, क्या बोलते हैं बताइए तो, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ओके, जैसे ही मैं बॉल को रिलीज करूंगा, क्लियर है, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड आएगा। ओके, बताइए, पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड आएगा, तो वो वेलोसिटी सपोज करता हूं मैं ये है वी वन, क्या बताइए तो, वी वन। ओके, तो जैसे ही इसको मैं रिलीज करूंगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी राइट किसमें कन्वर्ट होगा बताइए तो, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। किसमें? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और जिस एनर्जी के साथ फिर ये नीचे मोशन करता हुआ राइट इस फ्लोर को, राइट इस अर्थ सरफेस को स्ट्राइक करेगा, मतलब कोलिजन होने वाला है इस बॉडी वन और बॉडी टू में। क्लियर? जैसे ही इसमें ये कोलाइड होगा, बॉडी वन इस बॉडी टू के साथ कोलाइड होगा, क्लियर बात, तो मैं बोल रहा हूं कि ये बॉल ना बाउंस होगा, क्या होगा बताइए, बाउंस होगा, तो कुछ इस हाइट तक ये जाएगा, कुछ इस हाइट तक ये जाएगा। अरे बात समझ में? तो मैं इस हाइट को बोलता हूं भैया क्या, H1 डैश। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, तो अब ये बताइए मेरे को, जैसे कि ऐसा मैं बात किया था, एक स्पेशल केस बात किया था कि इसमें इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बिग मास का बॉडी है और एक स्मॉल मास का बॉडी है, किया था ना ऐसा बात मैं? क्लियर है? ओके, तो ये थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, लेकिन इतना तो मैं बिल्कुल कनेक्ट कर सकता हूं आपको यहाँ पे राइट, कि ऐसे ही कुछ बात किया था। तो भैया मैं जब अर्थ सरफेस बोलूं इसको या फिर मैं फ्लोर बोलूं, तो बिफोर कोलिजन मैं यदि पूछता हूं आपको इस बॉडी वन का वेलोसिटी क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए क्या सर, वी वन। क्लियर? रिलीज करेंगे तो जी वी वन वेलोसिटी, इस बॉल का, इस बॉडी वन का वी वन वेलोसिटी। बिफोर कोलिजन यदि मैं बात करता हूं तो इस फ्लोर का वेलोसिटी क्या है, तो आपका जवाब बहुत आसान होना चाहिए डियर, कि सर बिफोर कोलिजन ना हम यदि बात करें तो इसका वेलोसिटी ना सर यहां पे v2 जो हम बात करेंगे ये ना जीरो है, जीरो है, समझ रहे हैं बात को? क्लियर है?
बिल्कुल करेक्ट बात, बिल्कुल करेक्ट बात। तो अब मैं बोला कि जैसे ही ये स्ट्राइक किया, जैसे ही ये स्ट्राइक किया इस फ्लोर के साथ, ये बॉल मतलब कोलिजन हुआ, राइट, तो ये क्या किया भैया, बाउंस हुआ इतने हाइट पे, क्लियर। तो इस हाइट की बात करोगे तो H1 डैश, और ये क्या है आपके पास H1, राइट, बिफोर स्ट्राइकिंग, और ये है आफ्टर स्ट्राइकिंग, या फिर मैं बोलूं बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन, इज दैट क्लियर। अरे बात समझ में, बिल्कुल करेक्ट बात ना। तब एक पर्टिकुलर हाइट में गया तो यहां पर फिर से इस बॉल का कुछ ना कुछ फिर से पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। अरे बताइए तो पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी इस हाइट पे गया तो मैं बोल रहा हूं इसको क्या, फर्स्ट बाउंस। तो सर आप क्या ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि एक बार और यदि एक स्ट्राइक करता है, कोलिजन होगा, तो आगे और बात कर सकते हैं क्या, ऐसा बाउंस होगा क्या डियर? यस डियर, यस, बिल्कुल ऐसा बात कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा बात कर सकते हैं, राइट। तो यदि मैं बात करूं क्या इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी बात करूं, राइट, पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है भैया, MgH1, क्लियर बात, आ रही बात समझ में, बिल्कुल। इस पोजीशन में तो इतना ही होगा, इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी बात करूंगा तो MgH1 डैश, बिल्कुल ना। अब ये फर्स्ट बाउंस के बाद मैं फिर से इसको H1 डैश जो हाइट पे गया है, अब इसको फिर से रिलीज करता हूं तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ फिर ये नीचे गिरेगा, क्लियर बात। तो मैं बोलता हूं इस टाइम पे जो वेलोसिटी है इसका V1 डैश है, क्लियर है क्या बात? आपका भी गेट 2021 एग्जाम होने वाला है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, आपको पता है इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट होता है, तो इस कॉन्सेप्ट को, राइट, बड़ा केयरफुली समझिएगा, ये बहुत ही फेवरेट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है डियर, ओके, क्लियर है? अरे बात समझ में, आपको ऐसा टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे वैरायटी टेक्स्ट बुक, आप बहुत अच्छे ऑथर के टेक्स्ट बुक प्रिफर करोगे तभी ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, राइट। तो बिल्कुल हर एक पॉइंट को नोट करते जाएगा, पहले कनेक्ट करना, मैं ना स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम दूंगा, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट, लेकिन गजब का कॉन्सेप्ट है ये, बिल्कुल मजा आएगा देखना, और रेडी रहिएगा इस क्वेश्चन के लिए, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसके लिए रेडी रहिएगा, राइट, ओके फाइन। तो वी आर फर्स्ट बाउंस के बाद, राइट, मैं इसको फिर से यहां पे रिलीज करता हूं तो अगेन बाउंस की बात होगी, तो उस टाइम पे, राइट, बिफोर सेकंड बाउंस है ना, इस बॉल का वेलोसिटी है ना क्या होगा भैया, बताइए आप, V1 डैश जिस वेलोसिटी से फिर से सेकंड बाउंस करने के लिए आएगा, क्लियर, वो V1 डैश ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्लियर। तो ये फिर से नीचे आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह मैं बात की यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा तभी ये मोशन में ऐसा आएगा V1 वेलोसिटी के साथ, ठीक उसी तरह यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी है इस हाइट के कारण, राइट, तो इस पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो ये जब तक कन्वर्ट नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी में तब तक ये मोशन में नहीं आएगा, मतलब जैसे रिलीज करूंगा तो ये वाला पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा फिर से किस में, काइनेटिक एनर्जी में, क्लियर। तो फिर उस टाइम पे फिर इसका वेलोसिटी होगा V1 डैश, इज दैट क्लियर, आ रही बात समझ में, बिल्कुल करेक्ट बात ना। ठीक उसी तरह आगे यदि मैं बात करता हूं भैया क्या सेकेंड बाउंस हुआ, फिर से ये हुआ आपके पास सेकेंड बाउंस, क्लियर है, ओके। तो अब ये इस हाइट पे गया, दैट इज H1 डबल डैश सेकेंड बाउंस होने के बाद Is that clear? Second bounce होने के बाद इस हाइट पे गया, क्लियर। तो इस बाउंस को आप चाहो तो क्या बोल सकते हो भैया, फर्स्ट बाउंस और कोलिजन, अरे बात समझ में, फर्स्ट कोलिजन बोलिए या फिर है ना फर्स्ट कोलिजन बोलिए या फिर बोलिए क्या या फिर बोलिए फर्स्ट बाउंस, इसको बोलिए सेकेंड कोलिजन बोलिए राइट, या फिर बोलिए इसी को क्या, सेकेंड बाउंस, समझते हैं क्या बात को, बताइए, बिल्कुल करेक्ट बात ना। तो भैया अब इस टाइम पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए सर MG, राइट,
एच वन डबल डैश, क्लियर। तो इस हाइट पे जाने के बाद ओके आफ्टर सेकेंड बाउंस पोटेंशियल एनर्जी इसी बॉल का एम जी एच वन डैश होगा, राइट। और जैसे फिर से इसको रिलीज करेंगे तो थर्ड बाउंस आएगा, फिर फोर्थ बाउंस, इस तरह से बात होगी, क्लियर बात, ओके। और वो धीरे 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 करके कहां पे आ जाएगा बताइए, तो कहां पे आ जाएगा बताइए डियर, ये फाइनली कहां पे आ जाएगा, यहां कहीं पे इस तरह से आ जाएगा। अब वो कब आएगा मेरे को अभी नहीं पता, समझते हैं क्या बात को, क्लियर है ओके। तो ये कब आएगा भैया ये नहीं पता मेरे को, क्लियर, लेकिन ऐसे मैं बात करते जाऊंगा आगे। सेकेंड बाउंस, थर्ड बाउंस, फोर्थ बाउंस, इस तरह से, क्लियर है, आ रही बात समझ में, बिल्कुल। तो है ना, सेकेंड बाउंस के बाद थर्ड बाउंस के लिए जब जाएगा ये ओके, तो बिफोर थर्ड कोलिजन, और आई कैन से बिफोर थर्ड बाउंस, मैं क्या बोलूंगा यहां पे वेलोसिटी है भैया बताइए, v1 डबल डैश, क्लियर बात। बिफोर थर्ड कोलिजन, बिफोर थर्ड बाउंस वेलोसिटी होगा क्या इस बॉल का, v1 डबल डैश। और ये v1 डबल डैश को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं आफ्टर सेकेंड कोलिजन और आफ्टर सेकेंड बाउंस, ये वेलोसिटी है बॉल का, बोल सकता हूं ऐसा, क्लियर बात, अरी बात समझ में। वी वन डेस को मैं क्या बोल सकता हूं, ये वेलोसिटी है भैया आफ्टर फर्स्ट कोलिजन और फर्स्ट बाउंस, क्लियर बात, या फिर बिफोर सेकेंड कोलिजन और सेकेंड बाउंस, वेलोसिटी है भैया वी वन डेस इस बॉल का, बोल सकता हूं क्या नहीं बताइए। और इस वी वन को क्या बोलूंगा फिर, कोलिजन ही नहीं हुआ है, बाउंस ही नहीं हुआ है, मतलब यहीं से स्टार्ट हो रहा है भैया, समझ रहे हैं, बिफोर कोलिजन ये वेलोसिटी है, इज दैट क्लियर डियर, समझ रहे हैं, हर एक पॉइंट को नोट करते जाना फिर मेरे साथ ना आप, मैं ऐसे यहाँ पे लिख के नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा वेलोसिटी क्या, लेकिन एक एक चीज बताते जा रहा हूँ, कंफ्यूजन होते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में, क्लियर है ओके बिल्कुल। तो भैया जैसे ही यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्या, वी टू इक्वल टू जीरो बिफोर कोलिजन बोलता हूँ तो जीरो बोला, राइट, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉडी वन का वेलोसिटी वी वन डेज है, राइट, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन ओके तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन इस बॉडी टू का जिसको आप बोल रहे हैं फ्लोर, इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये फ्लोर कहां जाएगा, सर ये तो यही होगा ना, तो यदि ऐसा आप बोल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे बताइए, तो सर यहां पे ना यदि हम बात करेंगे तो वी वन डेस की बात करेंगे आप, सॉरी वी टू डेस की बात करेंगे, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बोलूंगा तो जी, तो क्या बोलोगे आप, सर यहाँ पे वी टू डेज बोलेंगे, जैसे वी टू इक्वल टू, अच्छा वी टू बोले थे बिफोर कोलिजन, तो हाँ वी टू डेज, तो ये तो जीरो होगा सर, कहीं नहीं जाएगा, तो यहीं पे रहेगा, क्लियर है बात, आ रही बात समझ में, बिल्कुल करेक्ट बात। नाउ आफ्टर सेकेंड कोलिजन, जैसे मैं बात किया बॉडी वेलोसिटी वी वन डबल डेज, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा आफ्टर सेकेंड कोलिजन, मैं बोलूंगा भैया यहाँ पे बताइए वी टू डबल डेज किसके लिए, इस फ्लोर के लिए, इस फ्लोर के लिए, क्लियर, डबल बोल सकता हूं, तो ऐसे कितना भी बार ऐसे कोलिजन होगा इस फ्लोर का वेलोसिटी तो जीरो होगा, बिफोर कोलिजन या फिर आफ्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई भी कोलिजन की बात करेंगे, करेक्ट, समझ रहे हैं क्या बात को, इतना सा बात क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो आइए जरा अब मैं बात करता हूं, चलिए इसको मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूं भैया, ये बॉल का तो नेमिंग कर दिया, मैं इसको बोल रहा हूं क्या फ्लोर बोल रहा हूं, या फिर आप बोलिए इसी को अर्थ सरफेस, इज दैट क्लियर। तो देखिएगा मैं हर एक बातों को आपको बोल दिया हूं ना कि कौन सा, मतलब कौन सा नोटेशन क्या आपको बता रहा है ओके। तो चलिए मैं बात करता हूं बिफोर कोलिजन, अरे बस बिफोर कोलिजन, राइट, या फिर मैं बोल सकता हूं इसको ओके बिफोर फर्स्ट बाउंस, या फिर बोलिए बिफोर फर्स्ट कोलिजन, ऐसा बोल सकता हूं क्या, बिफोर फर्स्ट कोलिजन और फर्स्ट बाउंस, अरे बस समझ में, क्लियर है ओके। तो ये है भैया आपके पास ये वाला, समझ रहे हैं क्या बात को, यही वाला हुआ ना, तो इसमें क्या हुआ होगा, एनर्जी का कंजर्वेशन हुआ होगा, राइट, एनर्जी कंजर्व हुआ होगा, कैसा बताइए, तो बॉडी वन का
बॉडी वन का क्या बताइए पोटेंशियल एनर्जी जो है ये बॉडी वन के ही काइनेटिक एनर्जी में कंजर्व हो गया होगा। समझ रहे हैं क्या बात को, कन्वर्ट हो गया होगा, क्लियर? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, क्लियर है क्या बात? तो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, ओके सर फाइन। तो मैं क्या बोलूंगा, एम जी एच वन इक्वल्स टू, बताइए मैं क्या बोलूंगा बताइए, तो एम जी एच वन इक्वल्स टू वन बाई टू एम वी वन का स्क्वायर, तभी ये वी वन वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा, राइट? क्लियर है बात, आ रही बात समझ में? सो आई कैन से, मैं क्या कह सकता हूं, यहाँ पे वी वन का स्क्वायर, राइट? सो यहां से एम कैंसल हो जाएगा, एम कैंसल हो जाएगा, क्लियर है क्या बात? तो मैं बोलूंगा यहाँ पे टू इधर ट्रांसपोज हो जाएगा ये जी एच वन, सो वी वन डेस सॉरी वी वन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एच वन, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं है अपने को, बिल्कुल डाउट नहीं है। यदि ऐसा है तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही जा रहे हैं डियर, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ओके फाइन। ना अब मैं बात करता हूं क्या बताइए, तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन राइट, समझते हैं क्या बात को, क्लियर है? आफ्टर फर्स्ट कोलिजन और फर्स्ट बाउंस, जैसे यहां पे फर्स्ट बाउंस ना, या फिर फर्स्ट बाउंस, क्लियर बात? ऐसा बोलिए, और बिफोर सेकेंड कोलिजन, क्लियर है? बिफोर सेकेंड कोलिजन, राइट? और सेकेंड बाउंस, एक एक चीज क्लियर करूंगा भैया, देखिएगा, गजब का कंसेप्ट, राइट? तो सर इसमें क्या बात करेंगे, तो इसमें भी यही बात करेंगे, क्या कि बॉडी वन का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो अगेन है ना बॉडी वन के काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताइए, तो बिफोर आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बताइए भैया, हाइट क्या है आपके पास, एच वन डेस है, और वेलोसिटी क्या हो जा रहा है आपके पास, राइट? वी वन डेस हो जा रहा है, ओके okay, तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन और फर्स्ट बाउंस, ऐसा मैं यदि बात करूं, राइट? तो हाइट क्या है भैया बॉल का, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन फर्स्ट बाउंस, राइट? कहने का मतलब, अरे बस समझ में, जैसे ही फर्स्ट कोलिजन हुआ होगा, यहां कहीं पे हुआ है ना फर्स्ट कोलिजन, एक्चुअली यहां कहीं पे ऐसे, तो फिर ये ऐसे आया, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है? मतलब ये बाउंस किया, और बाउंस करने के बाद एक ऐसे हाइट पे गया, वो हाइट है एच वन डेज आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, राइट? उसके बाद यदि मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट के कारण, तो आप बोलेंगे अभी जस्ट बताया था वैसे ही एम जी एच वन डैश, क्लियर बात? ओके, तो यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा क्या, वन बाई टू एम, क्लियर है? ओके, अब देख पाएंगे यहाँ पे ना, मैं मास को वैसे ही बात कर रहा हूँ, बॉडी का जो मास है ना वैसे ही बात कर रहा हूँ, क्लियर है? अरे बस समझ में, और यहाँ पे जस्ट जो मैं बोल रहा हूँ एम बोल रहे हैं, तो किसका मास है पता है, मैं बॉडी वन का बोल रहा हूँ भैया, बॉडी वन का, राइट? तो जिस तरह मैं यहाँ पे क्या किया बताइए, तो यहाँ पे जैसे मैं बात किया हूँ एम वन, तो आप ऐसा भी ठीक है, फॉर मोर क्लियर ऐसा भी बात कर सकते हैं, ये लो ये एम वन हुआ, ये भी एम वन हुआ, ये भी एम वन हुआ, समझ रहे हैं बात, इस बॉडी का ही तो देखो किसका हाइट बात कर रहे हो आप, इस बॉडी का, क्लियर है? इस बॉडी का हाइट बात करो, इस बॉडी का एलिवेशन बात करो, सब जगह, तो ये बाई डिफॉल्ट एम वन है भाई, ठीक है? यहां लिखा भी हो ना, देखो बॉडी वन, तो कंफ्यूज मत होइएगा, राइट? तो सर हम लोग यहाँ पे बॉडी टू का क्यों नहीं बात कर रहे हैं, तो भैया बॉडी
टू कहीं जा रहा है क्या, ये तो रेस्ट में ही रहेगा ना, क्लियर है? ओके ओके ओके, तो छोटी छोटी बात को लेके आप लोग कंफ्यूज भी होते हैं, राइट? तो ये पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन आपको मिलेगा इस बॉडी वन का, जिसको बोल रहे बॉल, राइट? फिर ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, राइट? किस वेलोसिटी के साथ, किस वेलोसिटी के साथ, उस वेलोसिटी के साथ जो वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, राइट, इस बॉडी वन का रहा होगा, दैट इज वी वन डैश, दैट इज वी वन डैश, इज दैट क्लियर? ओके, सो यू कैन से वी वन डैश का स्क्वायर बोलूंगा ना, वी वन डैश का स्क्वायर, ओके, काइनेटिक एनर्जी कैसे बताते ना, तो वी वन डैश का स्क्वायर, राइट, यू कैन से टू, राइट, m1 फिर से कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो कोलिजन में तो मास कांस्टेंट रहता है, जैसे मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ, ओके फाइन, तो भी ये 2gh1 ओके, बिल्कुल, तो v1 क्या हुआ, ये 2gh1 का स्क्वायर, इस तरह से बोलेंगे ऐसा, अरे बोलेंगे कि नहीं बताइए, समझ रहे हैं? कंफ्यूज मत होइएगा भैया, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें कि ये v1 बिफोर कोलिजन है बॉडी वन का वेलोसिटी, राइट, और जैसे ही कोलिजन हुआ है ना, तो फर्स्ट बाउंस होगा, तो बाउंस होने पर जो भी हाइट में जाएगा, राइट, तो उस हाइट में पोटेंशियल एनर्जी है ये किसका, इस बॉल का, ओके, फिर कोलिजन के बाद जिस वेला है ना, जो भी इसका वेलोसिटी रहा होगा बॉडी वन का कोलिजन के बाद, राइट, फर्स्ट कोलिजन के बाद, तो वो क्या है, v1, और उसी वेलोसिटी के साथ तो ये नीचे आएगा, राइट, किस पर्पज से नीचे आएगा, सेकेंड बाउंस के लिए, क्लियर? ओके, अब मैं बात करूंगा क्या, बताइए तो, आफ्टर सेकेंड कोलिजन, राइट, आफ्टर सेकेंड कोलिजन और सेकेंड बाउंस, क्लियर है? आफ्टर सेकेंड कोलिजन और सेकेंड बाउंस, और यू कैन से बिफोर थर्ड कोलिजन और थर्ड बाउंस, बोल सकता हूं क्या मैं ऐसा, क्लियर है? समझ रहे हैं क्या बात को जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो बोल सकते हैं, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं ना, तो बताइए है ना, हालांकि मैं यहाँ पे सेकेंड बाउंस तक बात किया हूँ, सेकेंड बाउंस तक, क्लियर? ओके फाइन, तो सेकेंड बाउंस के बाद, ओके, सेकेंड बाउंस के बाद मतलब सेकेंड कोलिजन के बाद ये कैसे यहाँ कहीं पे गया होगा, क्लियर? किस साइड पे, h1" पे, तो m1gh1" पोटेंशियल एनर्जी, जो चलिए यहां पर ही बात कर लेता हूं भैया, बॉडी वन का ये रहा पोटेंशियल एनर्जी, राइट, बॉडी वन का पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, अगेन मैं बात करूंगा, बॉडी वन का काइनेटिक एनर्जी, ओके, तो m1 राइट, फिर वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के, अच्छा उसका वेलोसिटी क्या रहा होगा, तो v1" किसका, उस बॉल के वेलोसिटी, तो इसका स्क्वायर, बिल्कुल बॉल का वेलोसिटी, या फिर बॉडी वन वेलोसिटी, राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो m1 कैंसिल हो जाएगा भी यहाँ पे, राइट, जैसे इधर कैंसिल किए, तो मैं कह सकता हूँ v1" का स्क्वायर, तो ये 2gh1" ओके फाइन, v1" इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh1". समझते हैं क्या बात को, क्लियर है? फील कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं कि नहीं? फीलिंग इज इंपॉर्टेंट, ओके ना, वैसे ही आप क्या बात कर सकते हैं आगे, आफ्टर थर्ड कोलिजन और थर्ड बाउंस और बिफोर फोर्थ कोलिजन और फोर्थ बाउंस, इस तरह से, राइट, तो इधर क्या होगा भैया बताइए तो, v1" इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh1" इज दैट क्लियर डियर, बिल्कुल, तो भैया अब मैं यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला लगाता हूँ,
कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाता हूं। क्या? देखिए सबसे पहले चलो यहां पे अब मैं केस की बात करता हूं। कैसा? इस तरह से मैं नेमिंग करता हूं ना, चलो ऐसा बात करता हूं ना। फर्स्ट, बिफोर फर्स्ट कोलिजन, ऐसा बोलूंगा, समझ पाते हैं क्या? बिफोर फर्स्ट कोलिजन ऐसा बोल रहा हूं तो आप बाय डिफॉल्ट समझिएगा बिफोर फर्स्ट बॉन्ड बोल रहा हूं, दोनों का मतलब वही है। बिफोर फर्स्ट कोलिजन एंड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, क्लियर है? तो चलिए, आपको कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लिखना आता है। क्या आता है? इक्वल्स टू माइनस का बोलते हैं भैया क्या, वी टू, अच्छा ऐसा बोलेंगे ना, ये वी टू माइनस का वी वन, फिर वी टू डेस माइनस का वी वन डेस, ऐसा बोलेंगे क्या? समझते हैं क्या बात को? बिफोर फर्स्ट कोलिजन बोल रहा हूं मतलब वेलोसिटी वी वन, वेलोसिटी वी टू, ये सरफेस का वेलोसिटी हुआ मतलब फ्लोर्स का वेलोसिटी वी टू जो है, राइट, और वी वन क्या है? बॉल का वेलोसिटी है। समझ रहे हैं बात को? क्लियर होना चाहिए इस बात को लेके आपको। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके नाउ, तो यदि मैं फ्लोर का वेलोसिटी बोलूं बिफोर कोलिजन, बिफोर फर्स्ट कोलिजन और आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, फ्लोर का वेलोसिटी बोलूंगा भैया जीरो ही बात होगी। क्या बात होगी बताइए? जीरो ही बात होगी ना। देन ये क्या हो जाएगा बताइए? तो राइट, देखिएगा ये क्या होगा बताइए तो जरा, ये माइनस और माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा यहां से, ओके प्लस हो जाएगा मतलब, और ये बच जाएगा माइनस, माइनस का वी वन डैश बाई वी वन, बोलेंगे ऐसा? अरे बोलेंगे कि नहीं? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो ये वी वन क्या है? बिफोर कोलिजन फर्स्ट, बिफोर कोलिजन बॉडी वन का वेलोसिटी, और ये आफ्टर कोलिजन, राइट, बॉल का वेलोसिटी, और आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन बोलो मतलब फर्स्ट कोलिजन की बात हो रही है भैया, फर्स्ट कोलिजन, बिफोर फर्स्ट कोलिजन आप, है ना, बिफोर फर्स्ट कोलिजन, राइट, एंड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। तो ये रहा आपके पास बिफोर फर्स्ट कोलिजन में m1 बॉडी का वेलोसिटी और ये बॉडी 2 का वेलोसिटी, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बोल रहा हूं, राइट, बाउंस किया तो जिस वेलोसिटी से नीचे आएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, आफ्टर फर्स्ट बाउंस, बॉडी का, बॉडी 1 का, बॉल का वेलोसिटी v1 डेस, राइट, और ये बॉडी 2 का वेलोसिटी वे टू डेस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? फील कर पाए अब फील कर पाए? ओके सर, फाइन, बिल्कुल करेक्ट बात। तो ये क्या हो जाएगा? वी वन डैश, राइट, वी वन डैश, ओके, इक्वल्स टू, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, अरे क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, ये ई, राइट, और अच्छा माइनस का ई इंटू वी वन, देखो माइनस का इसको मैं माइनस में ले आया, इस तरह से बात कर सकता हूँ, ओके फाइन, वी वन ऐसा बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल करेक्ट बात, ओके फाइन। तो अब वैल्यू पुट करेंगे क्या, देखें दे ये वाला वी वन डेज की वैल्यू बताइए, अरे वी वन डेज की वैल्यू तो स्क्वायर रूट टू जी एच वन डेज, आप लिख लीजिएगा ना हर एक पॉइंट को, किसको कब मैं किस सिचुएशन में क्या बोल रहा हूँ, राइट, ओके फाइन। एक गजब का ना यहाँ पे एंड रिजल्ट आएगा डियर, उसको मैं ना आपको पूरे फीलिंग के साथ बताना चाह रहा हूँ मैं, राइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा, राइट, देन माइनस का ई, राइट, फिर मैं बोलूंगा क्या, वी वन, राइट, क्या बोलूंगा, वी वन, तो बोलूंगा इसको टू जी एच वन, है ऐसा? अरे है ऐसा बताइए, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात ना। अब दोनों साइड को आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग, राइट, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ओके, तो ये क्या हो जाएगा भैया, टू जी एच वन डैश, और माइनस के स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, राइट, और ये ई का स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा टू जी एच वन, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो भैया यहां से 2g कैंसल हो जाएगा, ये भी कैंसल हो जाएगा ना, तो आई कैन सी h1 वन डैश इक्वल्स टू ई का स्क्वायर इंटू एच वन,
समझ रहे हैं बात को, क्लियर है? ओके बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात ना। अब मैं बात करता हूं, राइट। अभी मैं किनके बीच बात किया जी, इन दोनों के बीच बात किया, ये समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है? राइट, इन दोनों के बीच मैं बात किया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, समझ रहे हैं बात को, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इसको मैं बोल रहा हूं क्या, फर्स्ट, जैसे कि इधर बात किया, ओके समझना, पूरा कनेक्ट करेंगे। सेकंड, ओके तो सेकंड बात करते हैं भैया, बिफोर सेकंड कोलिजन, एक्चुअली सेकंड कोलिजन, राइट, एंड आफ्टर सेकंड कोलिजन, राइट, बिल्कुल। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करेंगे तो यहां पे मैं बोलूंगा भैया इक्वल्स टू माइनस डिवाइडेड बाय, तो बिफोर बात करते हैं डिनोमिनेटर में और इधर आफ्टर बात करते हैं, तो बिफोर बात करना होगा मेरे को और आफ्टर बात करना होगा सेकंड कोलिजन, राइट। तो सेकंड कोलिजन के पहले, बिफोर सेकंड कोलिजन, ऐसा यदि मैं बोल रहा हूं, राइट, बिफोर सेकंड कोलिजन वेलोसिटी बताओ भैया बॉडी वन और बॉडी टू का, तो आप क्या बोलेंगे, सर मैं वही वेलोसिटी बात करूंगा जो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉडी वन और बॉडी टू का होगा, दैट मीन्स वी वन डेस वी टू डेस, यस यस। तो यहां पे मैं क्या बोलने वाला हूं डियर, वी टू डेस माइनस का वी वन डेस, ये हो गया बिफोर सेकेंड कोलिजन, राइट। आफ्टर सेकेंड कोलिजन यदि मैं ऐसा बोल रहा हूं, आफ्टर सेकेंड कोलिजन यदि मैं ऐसा बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये भी हुआ क्या, बिफोर थर्ड कोलिजन बॉडी, इधर थर्ड कोलिजन होगा ना, बिफोर थर्ड कोलिजन बॉडी वन और बॉडी टू का जो वेलोसिटी होगा, राइट, यही वेलोसिटी तो है ना, आफ्टर सेकेंड कोलिजन बात करेंगे बॉडी वन एंड बॉडी टू का, यही होगा, राइट। मतलब आफ्टर सेकेंड कोलिजन बात करेंगे तो बॉडी वन का वेलोसिटी वी वन डबल डेस, बॉडी टू का वेलोसिटी वी टू डबल डेस, राइट, बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात। तो वी टू डबल डेस माइनस वी वन डबल डेस, यस। तो भैया बॉडी टू की बात करें, जो कि आपका अर्थ सरफेस है, जो आपका फ्लोर है, वो तो कहीं नहीं जा रहा, जीरो होगा, क्लियर है, चाहे आप बिफोर बात करो चाहे आफ्टर बात करो, इज दैट क्लियर, आ रही बात समझ में, बिल्कुल क्लियर बात, ओके ना। तो यहां पे क्या बचेगा डियर बताइए, तो फिर से यदि मैं बात करूं, राइट, जिस तरह यहां पे बात किए थे भैया कि ये माइनस माइनस कैंसल हुआ, तो जस्ट ये वाला माइनस है, तो ठीक उसी तरह ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपके पास, अगेन ये माइनस के साथ माइनस का वी वन डबल डैश डिवाइडेड बाई वी वन डैश, इज दैट क्लियर, बिल्कुल सही बात। तो अब मैं यहां पे बात करता हूं क्या, मैं बात करता हूं यहां पे E इक्वल्स टू माइनस का वी वन डबल डेस, ऐसा बचे हुए V आपके पास, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या, वी वन डबल डेस अरेंज करूंगा तो जस्ट माइनस का E टाइम्स वी वन डेस, बोल सकता हूँ ऐसा, बिल्कुल। वैल्यू पुट करिए तो टू जी एच वन डबल डेस, समझते हैं क्या, फिर से ये हो जाएगा माइनस का E, बताइए अंडर रूट, राइट, या फिर स्क्वायर रूट बोलिए, इस तरह से टू जी एच वन डिश, क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो जस्ट यहां पे बात करो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगेन, राइट, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे भैया तो आप क्या पाएंगे कि यहां पे जस्ट स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड से, तो ये हो जाएगा एच वन डबल डिश, देयर फॉर एच वन डबल डेस इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये ई का स्क्वायर, राइट, टाइम्स ऑफ एच वन डेस, क्लियर है,
आ रही बात क्या समझ में? ओके तो ये रहा इस तरह से आपका अगेन सेकेंड रिजल्ट, राइट। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट बात किया, क्लियर। ये फर्स्ट रिजल्ट यहाँ से आया और ये यहाँ पे सेकंड रिजल्ट बात की। ये रिजल्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट, देखना अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा गजब पर, राइट। ओके तो ये जो सेकंड रिजल्ट है कैसे आया, बिफोर सेकंड कोलिजन एंड आफ्टर सेकंड कोलिजन, तो देख पाएंगे ये है क्या वो, राइट। ये वाला है डियर, ये समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। ये वाला इन दोनों में बात किया, राइट। कैसे, बिफोर सेकेंड कोलिजन एंड आफ्टर सेकेंड कोलिजन, राइट। समझ रहे हैं बात को, बिफोर सेकेंड कोलिजन एंड आफ्टर सेकेंड कोलिजन, इस तरह से इन दोनों में मैंने कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात किया भैया, तो ये रिलेशन मिला, राइट ठीक। ये पहला वाला क्या बात किया, बिफोर फर्स्ट कोलिजन एंड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, मतलब ये वाला बात किया तो ये है, बिफोर फर्स्ट कोलिजन एंड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, यस। ये समझते हैं बात को क्या, क्लियर है, आ रही बात समझ में, ओके। ये बात की अपन, तो ये फर्स्ट रिजल्ट मिला कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का रिलेशन यहां पे यूज करके। इज दैट क्लियर डियर, ओके। सिमिलरली आगे आप ऐसे बात कर सकते हैं भैया, आगे आप ऐसा बात कर सकते हैं, राइट right? तो इस तरह से यदि मैं बात करूं तो आप आगे बात करेंगे तो ऐसे ना आपको हाइट में रिलेशन मिलेगा, समझ रहे हैं, राइट right? तो H1 days जब भी मैं बात करूंगा तो आप क्या बोलेंगे, ये रिजल्ट में लिख रहा हूं यहां पे ना, आफ्टर फर्स्ट बाउंस, क्लियर है, आ रही बात समझ में, आफ्टर फर्स्ट बाउंस और फर्स्ट कॉलिजन, राइट। बताइए भैया हाइट क्या होगा, तो आपका जवाब होगा क्या, H1 dash right equals to E का square into, बताइए इससे पहले वाला हाइट दैट इज H1, यही है, और इससे पहले वाला हाइट दैट इज H1, जस्ट पहले बाउंस के, है ना, बिफोर फर्स्ट बाउंस जो हाइट है, राइट right? उसका E square टाइम्स, इज दैट क्लियर, अरे बस समझ में, बिल्कुल ना। आफ्टर सेकेंड बाउंस, क्लियर, बताइए, या फिर मैं बोलूं आफ्टर सेकेंड बाउंस और सेकेंड कॉलिजन, राइट। हाइट बताइए भैया कितना हाइट में गया होगा वो बॉल, दैट इज H1 double days, बोलेंगे ऐसा, तो E square, ओके, फिर क्या बोलोगे आप, राइट एक सेकेंड, E square and E is nothing but what कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, E square times of what, इससे जस्ट पहले का हाइट, सेकेंड बाउंस के जस्ट पहले का हाइट, मतलब फर्स्ट कोलिजन के बाद जो हाइट रहा होगा, दैट इज H1 dash, यही है क्या, देखो H1 double dash equals to E square H1 dash, इज दैट क्लियर, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो सिमिलरली आपको यदि पूछा जाए क्या आफ्टर थर्ड बाउंस और थर्ड कॉलिजन, क्लियर है, बताइए भैया कितने हाइट पे गया होगा बॉल, तो H1 triple days equals to E का square, राइट right? इसे जस्ट पहले का हाइट, मतलब सेकेंड बाउंस में जो हाइट रहा होगा, आफ्टर सेकेंड बाउंस जो हाइट रहा होगा, दैट इज H1 double days, इस तरह से आप सिमिलरली बात करेंगे, राइट right? समझ रहे हैं बात को, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर बात, राइट right? E square times बात करेंगे जस्ट पहले वाले बाउंस का जो भी हाइट रहा होगा उसका, इज दैट क्लियर, बिल्कुल क्लियर बात। फोर्थ का बोले तो सर, तो H1 फोर्थ
डैश इक्वल्स टू ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ, इससे पहले वाला एच वन वॉट थर्ड डैश क्लियर थ्री टाइम डैश, ऐसा इस तरह से समझते हैं क्या बात को, क्लियर है, आ रही बात समझ में। और यहां पे जहां जहां आप बात किए क्या कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, राइट, इधर और आगे बात करेंगे आप ना, तो सब जगह कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का ही बात करेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, राइट, कैसे डिफाइन होगा भैया, कोलिजन, कोलिजन के दौरान ही तो बात कर रहे हो ना। देखो बॉडी वन हुआ और ये क्या हुआ बताइए, तो बॉडी टू हुआ, इन्हीं के बीच तो कोलिजन हो रहा है ना, इन्हीं के बीच तो टकराव हो रहा है, तो सब जगह वही ई की बात होगी, इसलिए सब जगह से आपको ई दिखेगा, ई दिखेगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो इस तरह से ना ऐसे आपको हाइट पूछा जाएगा, तो ऐसे आप है ना ये इतनी रिजल्ट से आप बता पाएंगे, डियर, क्लियर है? ओके, तो जनरलाइज्ड मैं फार्मूला यहाँ पे ना बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ डियर। सर कैसे, तो आइए यदि मैं बात करता हूं थर्ड बाउंस के बाद हाइट क्या होगा बॉल का, तो आप क्या बोलते हैं ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ वो हाइट जो आफ्टर सेकेंड बाउंस है, दैट इज एच वन डबल डैश, क्लियर। ठीक उसी तरह इधर बात करते हो आफ्टर सेकेंड बाउंस तो इक्वल होगा भैया ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ जस्ट पहले वाला, मतलब आफ्टर फर्स्ट बाउंस जो हाइट है एच वन डैश इसका ई स्क्वायर टाइम्स, ठीक उसी तरह यहाँ पे देख पाएंगे जस्ट है ना वन स्टेप बिफोर एंड आफ्टर, ऐसा मतलब यहाँ पे हाइट बात हो रही है, राइट, जिसका ई स्क्वायर टाइम्स आपको बात करना है, क्लियर है? तो मैं एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बात कर सकता हूं, राइट, कि आफ्टर nth bounce, क्लियर है, आ रही बात समझ में क्या, बिल्कुल, आफ्टर nth bounce, राइट, क्या होगा भैया हाइट जो है, ओके, या फिर nth collision क्या होगा बताइए, आप बोलेंगे h n बोलेंगे ऐसा, राइट, इक्वल्स टू आप बोलेंगे e का स्क्वायर, e स्क्वायर तो सब जगह बात होगा, इंटो बताइए तो जरा, इस तरह बात करेंगे जस्ट पहले वाला, मतलब यहाँ पे थ्री है तो ये टू हुआ, राइट, ट्रिपल डेज टू डबल डेज, मतलब एक माइनस हो रहा है तो यहाँ पे n माइनस वन, समझ रहे हैं क्या बात को बताइए तो आप मेरे को, समझ रहे हैं, यही रिजल्ट आपको चाहिए था। अब मैं डायरेक्ट बोल देता है ना अभी अराउंड हा क्या आपके पास 50 to 55 minutes तक मैंने अभी डिस्कस किया हुआ है आपसे, क्लियर है, मैं डायरेक्ट यही बोल देता तो आप बोलते सर ये कैसे आया, ये कहाँ से आया, तो ये जानना जरूरी था। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके गजब का क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है डियर, गजब का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना जब क्वेश्चन फ्रेम होगा, राइट, तो आपको यदि आइडिया नहीं है इस इक्वेशन को तो बिल्कुल है ना आप नहीं बना पाएंगे, अरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट, और ये इक्वेशन का आइडिया है, राइट, कि इस तरह का ये इक्वेशन होता है भैया और ये यहाँ से डिराइव होता है, राइट, तो आप ना क्वेश्चन को बहुत इजीली हैंडल करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो चलिए फिर मैं इसी में क्वेश्चंस का डिस्कस करूंगा, आप ना थ्रू आउट हर एक पॉइंट को नोट करने के लिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, अरे बात समझ में, बिल्कुल एक एक पॉइंट नोट कीजिएगा, आई होप आपको मजा आया होगा, राइट। ओके, तो चलिए भैया मैं ना एक क्वेश्चंस लेता हूं इसी में, राइट, देखिए क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होता है उसके बारे में डिस्कस करता हूं, ओके, तो ये रहा भैया आपके पास क्वेश्चंस, राइट, बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है और बहुत ही इजीली आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर है, यदि आपके पास ये कंसेप्ट है, राइट, जस्ट बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट, ओके, जस्ट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजली, इज दैट क्लियर? तो पहले क्या इंफॉर्मेशन है भैया इसके बारे में मैं आपसे बिल्कुल डिस्कस करता हूं, ये क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है, दिस इज द बॉल ऑफ हैविंग मास 1 kg, दिस इज द फ्लोर, राइट, क्लियर है, आ रही बात समझ में, बिल्कुल,
और ये बॉल का इनिशियल जो हाइट है भैया किससे, इस फ्लोर से, वो एच है, राइट। अब इसको रिलीज किया जाता है वी वेलोसिटी से, क्लियर, ओके। वी वेलोसिटी से रिलीज किया जाता है और वो वेलोसिटी वैल्यू आपको गिवन नहीं है, जस्ट ऐसे आपको वेलोसिटी वी गिवन है, ओके। तो जैसे रिलीज किया जाएगा तो ये क्या होगा, आपको पता है अभी जस्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था यहाँ पे, क्लियर, ओके। तो क्या होगा भैया, यहाँ पे स्ट्राइक होगा, कोलिजन होगा बॉल और फ्लोर के बीच, राइट। तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, राइट, ऐसे यदि मैं बोल रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट समझना होगा आपको मैं आफ्टर फर्स्ट बाउंस बोल रहा हूं, क्लियर है, ओके। तो आफ्टर फर्स्ट बाउंस ये जो बॉल है, राइट, ये 9 मीटर हाइट पे गया, क्लियर बात, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, राइट। देन आफ्टर सेकेंड बाउंस, क्लियर है, सिमिलरली सेकेंड बाउंस की बात करें तो ये बॉल 6 मीटर हाइट पे गया, क्लियर है। आगे और भी ऐसा बात हो सकता है, फिर से ये आएगा क्या थर्ड बाउंस के लिए, ओके, या फिर मैं बोलूं थर्ड टाइम कोलाइड होने के लिए इस फ्लोर के साथ, तो थर्ड बाउंस होगा तो कुछ और हाइट होगा, राइट, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। तो क्वेश्चंस में आपको पूछा गया भैया यदि ऐसा है तो आप बताइए ये एच की वैल्यू क्या होगी, और कोलिजन की बात तो हो रही है तो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होगी, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे भैया, कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं भैया फर्स्ट बाउंस आफ्टर, इक्वेशन फॉर्म कर लूंगा, है ना, आफ्टर फर्स्ट बाउंस, अभी जैसा मैं बात किया था वैसा ही बात करूंगा, आफ्टर फर्स्ट बाउंस, राइट। आफ्टर फर्स्ट बाउंस मैं बात करता हूं क्या हाइट क्या है, 9 मीटर है, अरे है क्या बताइए, बिल्कुल सही बात, इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे ई स्क्वेयर, फिर आफ्टर फर्स्ट बाउंस बोल रहा हूं ये हाइट 9 मीटर हुआ, इक्वल्स टू ई स्क्वेयर टाइम्स ऑफ, किसका टाइम्स करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे भैया, फर्स्ट बाउंस के पहले जो हाइट है उसका, दैट इज द व्हाट एच, इस तरह से, सपोज दिस इज द इक्वेशन वन, बिल्कुल क्लियर। नाउ आफ्टर सेकेंड बाउंस, आफ्टर सेकेंड बाउंस, राइट, ये लो, तो सेकेंड बाउंस के बाद क्या है बताइए, हाइट 6 मीटर है, इक्वल्स टू यहां भी बात करेंगे e स्क्वायर टाइम्स ऑफ व्हाट, आफ्टर सेकेंड बाउंस ऐसा बोल रहा हूं 6 इक्वल्स टू e स्क्वायर टाइम्स ऑफ व्हाट, तो इससे पहले सेकेंड बाउंस के पहले जो हाइट है दैट इज द व्हाट 9, क्लियर है। ऐसे ही तो कॉन्सेप्ट की बात किए थे क्या जी, ये देखो यहीं पे, अरे ऐसे ही तो बात किए ना भाई मेरे, ऐसे ही तो बात किए, ओके सर फाइन। तो ये रहा भैया इक्वेशन नंबर 2, ये रहा इक्वेशन नंबर 2, तो ये है मल्टीप्लाई में ना, प्रोडक्ट में है, ओके फाइन। तो मैं जस्ट यहां पे यदि डिवाइड कर देता हूं, राइट, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, क्लियर है, तो 9/6 लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, तो ई स्क्वायर ये व्हाट 9 होगा, बिल्कुल करेक्ट बात। तो बी आर हियर ई स्क्वायर टू ई स्क्वायर विल बी कैंसल्ड, बिल्कुल। तो ये क्या होगा, एच की जो वैल्यू है ये ना 9 × 9 डिवाइडेड बाई 9 × 9 डिवाइडेड बाई 6, राइट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो भैया 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो 3 × 9 = 27 बाई 2, क्लियर है। किस में आएगा ये, मीटर में आएगा, ओके, क्योंकि सभी वैल्यू मीटर में है हाइट की वैल्यू। तो ये रहा आपका फर्स्ट आंसर, ये रहा आपका फर्स्ट आंसर, समझते हैं क्या बात को, बिल्कुल क्लियर ना। अब हम लोग इस एच की वैल्यू को कहां पे पुट कर दें भैया, समझ रहे हैं बात को, क्लियर है। इस एच की वैल्यू को आप यहां पे पुट करिए, या फिर आप डायरेक्ट बात करो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इसको सॉल्व कर लोगे ना आप, 9 को इधर ले आओगे, जस्ट ई की वैल्यू मिल जाएगा, अरे जस्ट ई की वैल्यू मिल जाएगा, क्लियर है।
आ रही बात समझ में? तो जैसा करना चाहो आप करिए, राइट। इक्वेशन सॉल्व हेतु करना है तो फ्रॉम इक्वेशन टू ऐसा यदि बात करता हूं तो यहाँ पे किसी वैल्यू को पुट करने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम इक्वेशन टू यही वाला बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6/9, क्लियर। और ये ई का स्क्वायर, ओके। तो जस्ट अब बात करेंगे भैया यहाँ पे क्या कि ई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा बताइए, 3 2 6, 3 3 9, मतलब 2/√3, ऐसा भी बात कर सकते हैं आप, समझ रहे हैं बात को? तो ये रहा आपके पास आंसर। या फिर इसी h की वैल्यू को इक्वेशन वन में बात कर लो, है ना। अभी मैं किसी इक्वेशन में कोई वैल्यू पुट नहीं किया था, जस्ट फ्रॉम इक्वेशन टू से बात किया। नाउ है ना, फ्रॉम इक्वेशन व्हाट वन पुट वैल्यू ऑफ h, क्लियर है, आ रही बात समझ में? ओके, पुट वैल्यू ऑफ h, राइट। तो ये है आपके पास 9, राइट, इक्वल्स टू e का स्क्वायर इंटू h है भैया क्या 27/2, ओके फाइन। देन आई कैन सी e स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट, 9 × 2/27, तो 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, ओके। सो ई स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, यस। सो दिस विल बी योर आंसर, चाहे आप ऐसा बात करिए ई की वैल्यू के लिए, चाहे आप ऐसा बात करिए, समझ रहे हैं, क्लियर है? तो बताइए ये यदि ये कंसेप्ट आपका नहीं है, ये इक्वेशन आप नहीं जानते, ये है ना, तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। चाहे आपको है ना इससे पहले मैं जितना भी कंसेप्ट बताऊं पूरा पता हो, लेकिन ऐसा यदि आपको पता नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्लियर है आपसे? गजब का कंसेप्ट है, राइट। तो ये ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने गेट एग्जाम में, राइट। अभी तो गेट एग्जाम होने वाला है आपके पास, है ना, 2021, राइट। चाहे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बात करूँ, चाहे मैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए बात करूँ, इज दैट क्लियर? तो चलिए फिर इसी के साथ मैं मॉड्यूल 12 को फिनिश करता हूँ, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे मॉड्यूल 13 के साथ, ओके। तो चलिए फिर, वीडियो लेक्चर बिल्कुल शेयर किया करें डियर, फीडबैक जरूर दिया करें आप अपना, ओके, बिकॉज योर फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।